A very good morning to all of you. Today we are going to start our second chapter of your civics book, that is a part of your social science. Okay, and your chapter name is Diversity and Discrimination. In our earlier chapter, in chapter number one, we have talked about diversity in India. Okay, what is the meaning of diversity? Diversity means differences. In our earlier chapter of civics, we have talked about diversity and what is the meaning of diversity? Diversity means differences. Now, in this chapter, we are going to study about diversity and discrimination. ठीक है, diversity को किसके साथ loop कर दिया? It looped with discrimination. What is the meaning of discrimination? हिंदी में आप उसका मतलब समझिए भेदभाव. जब हम भेदभाव करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? English में discrimination बोलते हैं. Okay? So in this chapter, connect this chapter to your previous chapter. Okay? In our previous chapter, we have talked about diversity. That is, it may lead to discrimination. Diversity means differences. अब differences के वजह से बहुत सारी हम भेदभाव करते हैं. अब किन basis पे भेदभाव करते हैं? Suppose आपकी colony में एक नया लड़का आया, ठीक है, और वो लड़का जो है वो क्या है, क्या है, आप सब इंग्लिश बोल पाते हो, वो लड़का इंग्लिश नहीं बोल पाता, तो आप कहीं ना कहीं क्या करते हो कि उसे अपने से दूर रखते हो, मतलब उस आपको अपने से अलग लगता है वो. तो ये जो अलग लगना और उसको आप थोड़ा नीची नजरों से जब देखते हैं तो वो क्या है, वो भेदभाव करना ही होता है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन ओनली. सो दैट इज नॉट गुड ऑब्वियसली. तो हमारे इंडिया में देखिए कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं, अभी हम पढ़ेंगे कितने सारी लैंग्वेजेस हैं, कितने सारे कल्चर है, रिलीजन्स हैं, तो उन सब इतना डाइवर्स नेशन है हमारा, और उस वजह से बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन होती है हमारी कंट्री में. समटाइम्स पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स आर टीज्ड, लाफ्ड एट or not included in a certain activity or group. ठीक है, कभी कभी क्या होता है, sometimes people who are different in terms of color, different in terms of like languages they speak, the religion they follow, ठीक है, तो वो क्या है, एक differences है. तो जो एक दूसरे से डिफरेंट है वो क्या माने जाते हैं, उनको लगता है कि दूसरे लोग उनको टीज करते हैं, छेड़ते हैं, बुली करते हैं, टीज करते हैं, उनपे हंसते हैं, और उनको किसी भी एक्टिविटी में या ग्रुप में क्या करते हैं, इन्वॉल्व नहीं करते हैं. तो ये चीज जिससे कि क्या होता है, जो सामने वाला पर्सन है जिसे डिफरेंट समझते हैं, वो अपने आप को हर्ट फील करता है, वो अपने आप को क्या है, उसको बुरा लगता है, उसको हर्ट होता है, तो दैट इज नॉट गुड. ओके, नाउ ऑल दीज थिंग्स क्रिएट व्हाट इट क्रिएटेड डिस्क्रिमिनेशन. वी फील हर्ट एंड वी हेल्पलेस और सैड व्हेन फ्रेंड्स और अदर्स ट्रीट अस इन सच अ वे. जब लोग हमें ऐसे बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, टीज करते हैं, हंसते हैं, ठीक है, अपने आप को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हमें डिस्क्रिमिनेट करते हैं, इन सब तरीकों से हम क्या है, हमें बुरा लगता है, हमें गुस्सा भी आता है, हम कभी कभी हेल्पलेस, हमें हेल्पलेस फील करते हैं, ठीक है, जब लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसा ट्रीट करते हैं. ओके, सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिफरेंस एंड प्रेजुडिसेस. व्हाट आर डिफरेंसेस एंड what is the meaning of prejudices? Prejudice क्या होता है? जब आप किसी person को पहले ही सोच लेते हो कि ये person बुरा होगा, ये person ऐसा होगा, ठीक है, according to their differences, this is known as prejudices. Next, we are going to talk about creating stereotypes. Stereotypes क्या होता है? जब हम भेदभाव करने लग जाते हैं किसके basis पे, कि ये लड़का है, ये लड़की है, ठीक है, लड़के खाना नहीं बनाते, लड़कियां जॉब पे नहीं जाती है, ये सारी चीजें जब हम माइंड में पहले ही सेट कर लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ स्टीरियोटाइप. ये एक एग्जांपल था स्टीरियोटाइप का. नेक्स्ट इज इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. इनइक्वालिटी,
जैसे रिच कुछ पर्सन रिच है कुछ पर्सन पुअर है, ठीक है, तो रिच और पुअर में जो डिफरेंसेस आ जाते हैं, इनइक्वालिटी, उसको इनइक्वालिटी ही बोलते हैं, तो उस इनइक्वालिटी की वजह से भी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है. आफ्टर दैट ऑन बींग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेटेड हम किसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ठीक है, बहुत सी ऐसे लोगों के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ बी आर अम्बेडकर, द फादर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फादर है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनकी स्टोरी पढ़ेंगे, उनकी स्टोरी की हेल्प से हम समझेंगे एक टॉपिक, स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी. स्ट्राइविंग मीन्स मतलब कि इक्वालिटी के लिए तड़पना, ठीक है, इक्वालिटी के लिए स्ट्राइव करना, हम फिर उसके बारे में पढ़ेंगे. सो इन दिस इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंसेस एंड प्रेजुडिसेस. ओके, व्हाट आर डिफरेंसेस एंड व्हाट आर प्रेजुडिसेस. नाउ व्हाट मेक अस व्हाट वी आर, हम जो हैं हमें कौन बनाता है, हम जो हैं व्हाट मेक अस व्हाट वी आर, क्या बनाता है हमें, हम जो भी हैं हमें कौन बनाता है, how we live, the languages we speak, what we eat, wear, the games we play and the things we celebrate. देखिए इंडिया में, ठीक है, हम कितनी सारे, हम कैसे रहते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से गेम्स खेलते हैं, ठीक है, हम अलग अलग चीजें सेलिब्रेट करते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो इन सब चीजों से ही क्या है, हम अपना एक कल्चर, हम अपना ट्रेडिशन और अपने आप को डाइवर्स बनाते हैं, ठीक है. तो दिस ऑल इंक्लूड्स इन डाइवर्सिटी इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में डाइवर्सिटी है. सो देयर इज अ पिक्चर, देखिए हर एक टाइप की यहाँ पे सब है. इस पिक्चर के थ्रू क्या दिखाना चाहता है जो बुक के ऑथर है, वो क्या दिखाना चाहते हैं, देखिए गर्ल है, फिर एक बॉय है, ये किसमें मतलब लाइक शॉर्ट्स और एक बनियान में खड़ा है, ये सूट में है, ये टी शर्ट पैंट में है, ये लड़का थोड़ा डिसेबल है, ये मॉडर्न दिखा रखा है, नेक्स्ट ये ब्लाइंड लड़की है, देखिए स्टिक है उससे पता चलता है, ये थोड़ी मोटी और लंबी लड़की है, तो ये क्या दिखाना चाहता है, ये दिखाना चाहता है कि वी ऑल आर डाइवर्स, मतलब हम सब अलग अलग है, खाली लैंग्वेज कल्चर ट्रेडिशन रिलीजन में ही हम डाइवर्स नहीं होते हैं, हम लुक्स में भी डाइवर्स होते हैं, कलर में भी डाइवर्स डिफरेंट होते हैं, एबिलिटीज में भी डिफरेंट होते हैं, हमारे पहनावे में भी डिफरेंट होते हैं, ये सारी चीजें हमें डाइवर्स बनाती है, डिफरेंट बनाती है, ठीक है. सो डाइवर्सिटी इन इंडिया, देयर आर 8 मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में कितने मेजर रिलीजन्स है, 8 मेजर रिलीजन्स है, एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया. सोचिए 8 मेजर रिलीजन्स है और इंडिया में सारे के सारे रिलीजन्स जो है, 8 के 8 रिलीजन्स फॉलो किए जाते हैं, प्रैक्टिस किए जाते हैं. We have more than 1600 languages. सोचिए कितनी languages है. We have more than 1600 languages that are people's mother tongues. जो लोगों की हम mother tongue बोलते हैं ना, तो 1600 languages है जो लोगों की mother tongue है, and there are more than 100 dance forms. और 100 से भी ज्यादा जो है dance forms है इंडिया में, ठीक है. So when we meet people who are very different from us, we may find them strange and unfamiliar. Dekhe, now look at this picture. You look different types of people in this picture. Okay, some of them are disabled. Some of them are like fat and fat, fair. Some of them are like black. So ye sab kya hai? Alag alag log hai. When we meet people who are very different from us, jab नेचुरल सी बात है, जब हम अपने से अलग किसी इंसान से मिलते हैं तो हम उनको बहुत स्ट्रेंज फील करते हैं, हम अपने स्ट्रेंज फील करते हैं, अनफैमिलियर फील करते हैं, क्यों, क्योंकि हम जानते ही नहीं है कि अच्छा ऐसे भी कुछ होता होगा क्या, ठीक है. People also from certain attitudes and opinions about others who are not like them. और जो उन्हें पसंद नहीं करते हैं वो अपने अकॉर्डिंग उनके ओपिनियंस देते हैं, ठीक है, अपना एटीट्यूड दिखाते हैं और अपनी जो उनकी जो भी राय है, ओपिनियन है, जो वो समझते हैं वो भी बोलते हैं, बुरा भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है. सो
दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंसेज वी हैव. वी हैव डिफरेंसेज, देखा आपने कितने डिफरेंसेज और क्या हमें डाइवर्स बताता है, डाइवर्स बनाता है. हमने अपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि हम क्या की, हम किन चीजों से डाइवर्स हैं. रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज, खाना, ठीक है, जो हम कपड़े पहनते हैं, गेम्स खेलते हैं, ठीक है, हमारे कलर, हमारा कलर, हमारा लुक, ये सब चीजों में हम डिफरेंट हैं. देखिए, और इंडिया में हर एक 8 मेजर रिलीजन्स फॉलो किए जाते हैं, और इंडिया में सारे के सारे रिलीजन्स जो हैं ये फॉलो किए जाते हैं. 1600 लैंग्वेजेस हैं हमारे इंडिया में, ठीक है, मोर देन 1600 लैंग्वेजेस, मोर देन 100 डांस फॉर्म्स हैं, ठीक है. सो नाउ वी टॉक अबाउट प्रीजुडिसेस. प्रीजुडिसेस क्या होते हैं, अच्छे से समझना बेटा, प्रीजुडिसेस क्या होता है. प्रीजुडिस, टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इंफीरियर. जब हम किसी दूसरे लोगों को नेगेटिवली जज कर लेते हैं और उनको अपने से छोटा मानते हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रीजुडिस, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रीजुडिस. To judge other people negatively or see them as inferior. जब हम दूसरे लोगों को जज कर लेते हैं कि ये नेगेटिवली जज कर लेते हैं कि ठीक है, ये इसने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, इसको तो इंग्लिश आती नहीं होगी, ये पढ़ा लिखा नहीं होगा, ठीक है, और ऐसे ही जब अगर ये काला है, अरे ये तो साउथ इंडियन ही होगा, आई एम सॉरी, बट जैसे बहुत, ये जस्ट एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि जब हम जज कर लेते हैं ना, ठीक है, लोगों को नेगेटिवली जज कर लेते हैं, ठीक है, और अपने से छोटा मानने लगते हैं, दैट इज नोन एज प्रीजुडिसेस. उसके बारे में कुछ नहीं जानते हुए भी जब हम उन्हें जज करते हैं, तो दिस इज नोन एज प्रीजुडिसेस. When we think that only one particular way is the best and right way to do things, we often end up not respecting others who may prefer to do things differently. जब हम ये सोचने लग जाते हैं कि अगर हमें कोई भी काम करना है, बस एक यही तरीका है जिससे कि हम अच्छा काम कर सकते हैं, सही काम कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम दूसरों को रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, who may prefer to do things, जो दूसरे तरीके के काम करना पसंद करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ईजी एग्जाम्पल देती हूँ कि आप ये समझ लीजिए कि हाँ, आपके क्लास में, ठीक है, कुछ जो बॉयज हैं और कुछ गर्ल्स हैं, ठीक है, जो कुछ बॉयज हैं उसमें से 2-3 बॉयज क्या है, उनको क्या है, उनको खाना बनाना बहुत पसंद है, ठीक है, तो वो खाना बनाते हैं, ठीक है, बट इन इंडियन जो सो कॉल्ड इंडियन थिंकिंग है उसमें क्या दिखाया जाता है कि लड़के खाना नहीं बना सकते, लड़के खाना बनाते हैं, मतलब कि दैट इज नॉट गुड, खाली लड़कियां ही खाना बना सकती है. सो ये सोचना तो मतलब ये अलग है, क्योंकि हो सकता है ना कि जो लड़का खाना बना रहा है उसको पसंद हो खाना बनाना, उसे बहुत ज्यादा उसका उसकी हॉबी हो, उसका पैशन हो. तो अगर हम दूसरों की चीजों को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, दूसरे तरीकों को जब रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, ठीक है, और हम सोचते हैं हम ही ठीक है, दिस इज नॉट गुड, ओके, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रीजुडिसेस. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू थिंक दैट इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेजेस आर नॉट इम्पॉर्टेंट, वी आर जजिंग दीज अदर लैंग्वेजेस नेगेटिवली. एज अ रिजल्ट, वी माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु स्पीक languages other than English. अब वो एक एग्जाम्पल दिया गया है कि हम सोच लेते हैं, अगर हम सोचते हैं कि इंग्लिश ही सबसे अच्छी लैंग्वेज है और सारी लैंग्वेजेस खराब है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरी लैंग्वेजेस को जज कर रहे हैं नेगेटिवली, ठीक है, हम नेगेटिव वे में दूसरी लैंग्वेज को क्या कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, और एज अ रिजल्ट हम दूसरे लोगों की लैंग्वेजेस को क्या है, रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं. अदर जो भी इंग्लिश के अलावा दूसरी लैंग्वेजेस बोलते हैं, हम उनको क्या कर रहे हैं, हम उनको रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं. वी आर नॉट गिविंग रेस्पेक्ट टू दोज पर्सन्स हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश, ठीक है. नाउ प्रीजुडिसेस, वी कैन बी प्रीजुडिस्ड अबाउट मैनी थिंग्स. हम बहुत अलग अलग तरीकों से प्रीजुडिस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पीपल्स रिलीजियस बिलीव्स, ठीक है, लोगों के जो रिलीजियस बिलीव्स है, भगवान पे जो भरोसा है, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, और बहुत सारे अलग अलग लोग अलग अलग भगवान पे बिलीव करते हैं, जो रिलीजियस बिलीव्स है लोगों के,
उसके बेसिस पे भी क्या है, बहुत लोग जज कर लेते हैं, पहले ही जजमेंट दे देते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं कि ये रिलीजन ए से है तो ये गलत ही है, मतलब ये ऐसा ही इंसान होगा, ये मॉडर्न नहीं होगा, ये लोअर होगा, ठीक है, उसकी थिंकिंग वो नैरो माइंडेड होगी, ज्यादा मॉडर्न नहीं होगा, तो ये पीपल के रिलीजियस बिलीव्स के अकॉर्डिंग पे हो जाती है, प्रिजुडिसेस हम हो जाते हैं। द कलर ऑफ देयर स्किन, स्किन का कलर देख के कि अगर ये काला है मतलब ये तो ब्यूटीफुल है ही नहीं, ठीक है, ये सुंदर लगेगा ही नहीं, जब हम ये बिलीव करें। द रीजन दे कम फ्रॉम, कौन से रीजन से आते हैं, कोई गांव से आएगा, ठीक है, अब नॉर्मली सिटी में क्या देखते हैं, कॉलेजेस में आप कुछ जो गांव से स्टूडेंट्स जाते हैं तो वो सिटी के लोग पहले ही सोचते हैं गांव से इसको तो कुछ नहीं आता होगा, तो ये थिंकिंग भी गलत है, इस पे भी हम क्या करते हैं, लोगों को नेगेटिवली जज कर लेते हैं। द एक्सेंट दे स्पीक इन, ठीक है, जिस एक्सेंट में वो बोलते हैं, ठीक है, कि अब सपोज जो कोई बिहार से आया है, ठीक है, अब वो उसकी उसकी जो लैंग्वेज हो रही है थोड़ी सी बिहारी टोन निकलती है, वो जब इंग्लिश भी बोलता है या हिंदी भी बोलता है तो हम उसको जज कर लेते हैं कि ये तो वहां से आया है, गवार ही होगा, उसको ये नहीं आता, तो ये सारी चीजें, ठीक है, जब ये सब हम उनके एक्सेंट पे, उनके क्लोथ्स पे, जो कपड़े उन्होंने पहने उसके बेसिस पे जब हम उनको जज कर लेते हैं नेगेटिवली, दिस इज नोन एज प्रीजुडिसेस एंड दीज आर सम ऑफ द थिंग्स इन विच वी मे प्रीजुडिस्ड। ओके, Now, often our prejudices about others are so strong that we don't want to form friendship with them. At times, we may even act in ways that hurt them. Now, often our prejudices, ठीक है, हमारे जो prejudices हैं, जो हमारी judgment है लोगों के लिए about others are so strong, इतनी strong होती है कि हम उनसे ना फ्रेंडशिप भी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, हम उनको दोस्त भी नहीं बनाना चाहते हैं, और हमारे कुछ ऐसे एक्ट हो जाते हैं, हम उनको है ना कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली क्या कर देते हैं, हर्ट कर देते हैं, उनको दुख पहुंचाते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज अबाउट डिफरेंसेस एंड प्रेजुडिसेस, नाउ वी विल टॉक अबाउट क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। नाउ बिफोर गोइंग फर्दर आई वुड लाइक टू आस्क इफ यू हैव Creating stereotypes, our next topic. Now, before understanding this term, I would like to give you an example or normally a statement बताती हूँ जो हम normally सुनते हैं. If we take the statement, they don't cry, you will see that this is a quality that is generally associated with boys and men. ठीक है? हो सकता है आपके आपने अपने घर पे सुना हो या फिर आपने अपने आस पड़ोस में कभी कभी सुन लिया होगा, दे डोंट क्राई, ठीक है, किसके लिए यूज होता है, मेन और बॉयज के लिए नॉर्मली यूज करते हैं कि लड़के रोते नहीं है, आदमी रोते नहीं है, दुख नहीं दिखाते हैं, ठीक है। एज बेबीज और चिल्ड्रेन व्हेन बॉयज फॉल एंड हर्ट देमसेल्व्स देयर पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेंबर्स ऑफन कंसोल देम बाय सेइंग डोंट क्राई, ठीक है, बहुत से ऐसे छोटे बच्चे और चिल्ड्रेन जो है, ठीक है, वो गिर जाते हैं, अगर कोई बॉयज गिर जाता है और उसको चोट लग जाती है वो, तो वो अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं या उनके अलग फैमिली मेंबर्स या उनके आसपास के लोग क्या बोलते हैं, उनको कंफर्ट देते हुए, उनको कंफर्टेबल फील करवाते हुए बोलते हैं कि डोंट क्राई, यू आर अ बॉय, बॉयज आर ब्रेव, दे डोंट क्राई। देखिए क्या बोलते हैं, यहाँ पे कुछ गर्ल्स होंगी उनको बहुत गुस्सा होता है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, होता है, मेरे को तो बचपन में बहुत होता था, ठीक है, कि अगर कोई ऐसे बोल दे ना यू आर ए गर्ल, यू आर जेंटल, तुम ब्रेव नहीं हो, मुझे बहुत गुस्सा आता था। तो जब हम ये बोल देते हैं डोंट क्राई यू आर ए बॉय, वो बोलते हैं कि डोंट क्राई, आप रो मत, आप लड़के हो, लड़के तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, ब्रेव होते हैं, वो रोते नहीं है। तो जैसे जैसे बच्चे जो हैं ग्रो करते हैं, ठीक है, बड़े होते हैं, दे स्टार्ट बिलीविंग दैट बॉयज डोंट डू नॉट क्राई, सो दैट इवन इफ अ बॉय फील्स लाइक क्राइंग ही स्टॉप्स हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो बिलीव करने लग जाते हैं, ठीक है, कि लड़के जो हैं रोते नहीं हैं, अगर कोई लड़का है उसको रोने का मन भी कर रहा है फिर भी वो अपने आप को क्या है स्टॉप कर लेता है उस रोने से। ही ऑल्सो बिलीव्स दैट क्राइंग इज अ साइन ऑफ वीकनेस, उसको लगता है कि अगर मैं रोऊंगा तो क्या होगा, मुझे मैं वीक हूँ, मतलब मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं वीक हूँ। So even though both boys and girls sometimes want to cry, especially if they are angry or in pain, as they grow older, boys learn or teach themselves not to cry.
ठीक है, बॉयज और गर्ल्स, मोस्टली केसेस बॉयज में देखा जाता है, उनको बोलते हैं जब वो रोना चाहते हैं, अगर कभी उनको गुस्सा आता है, कभी उनको दर्द होता है, ठीक है। तो ऐसे ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे बड़े होते हैं, वो अपने आप को समझा लेते हैं कि हमें रोना नहीं है, मैं लड़का हूँ, ठीक है। इफ अ ग्रोन बॉय क्राइज देन ही फील्स दैट अदर्स विल टीज देम, अगर कोई बड़ा बच्चा रोने लगता है, लड़का रोने लगता है, तो उसको क्या फील होता है कि जो दूसरे लोग हैं वो उसे टीज करेंगे, उस पर हंसने लगेंगे कि तू तो लड़का होके रोने लग गया, तो and so he stops himself from doing so in front of others, और इसलिए वो क्या है, दूसरों के सामने ये ऐसी चीजें करना बंद कर देता है, वो रोता नहीं है, जिससे कि जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं होता, ठीक है, जिससे वो अपने आप को ही हर्ट करता है। You can take other statements such as they are soft and gentle or they are well behaved. अब दूसरे आप statements भी ले सकते हो, they are soft and gentle, बहुत soft है, बहुत gentle है, वो बहुत well behaved है, and discuss how these are applied to girls. Normally girls के लिए होता है ये, बोला जाता है बहुत gentle है, बहुत well behaved है. Do girls possess these qualities? Do girls possess these qualities at birth or do they learn such behavior from others? क्या लड़कियां हमेशा से ये क्वालिटी लेकर जन्मती है या फिर अपने दूसरों से ये क्वालिटी लेती है? बेटा जो लड़कियां होती है, लड़के लड़कियां हों लड़के हों, हम सब अपने आसपास की सराउंडिंग्स में, हमारे स्कूल में, हमारे घरों में, पेरेंट्स से ही सीखते हैं हम जो भी सीखते हैं, है ना। हम जो बिहेव करते हैं, हम जैसा एक्ट करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि हमारे पेरेंट्स कैसे हैं, हमारी स्कूल कैसी है, ठीक है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट गर्ल्स हु आर नॉट सॉफ्ट एंड जेंटल एंड दोज हु आर नॉटी? तो फिर ऐसी लड़कियां जो सॉफ्ट नहीं होती, ठीक है, जेंटल नहीं होती, बहुत ज्यादा नॉटी होती, फिर उसका क्या, क्या वो तो बहुत नॉटी है, वो तो जेंटल नहीं है। सो गर्ल्स भी ये क्वालिटीज जो है बर्थ से नहीं होती है, ये सारी क्वालिटीज उनको सिखाई जाती है। तो एज सेम क्या है, हमें बॉयज को भी वही क्वालिटी सिखानी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ कि ये हमने पहले से ही परसेप्शन कर लिया, पहले से ही हमने क्या कर लिया, एक क्रिएट करना, स्टीरियोटाइप क्रिएट कर दिया, ये लड़का है तो ये काम करेगा, ये लड़की है तो ये काम करेगी। अब आप सबसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ या फिर आपने बहुत एग्जाम्पल्स देखेंगे। नॉर्मली मोस्ट ऑफ यू के घर पे जो खाना बनाते हैं, कौन बनाते हैं, कौन बनाता है आपके घर पे खाना? मदर बनाती है। इफ यू ऑल आर एंग्री मदर या आपकी ग्रैंड मदर या आंटी, इफ यू ऑल आर एंग्री प्लीज रेज, मतलब आई मीन इफ यू ऑल आर एग्री प्लीज रेज योर हैंड्स। जो जो एग्री है आपके घर पे मम्मी, ठीक है ठीक है। नाउ अब वो बच्चे हाथ रेज करें जिनके घर पे पापा खाना बनाते हैं या आपके चाचा बनाते हैं या ग्रैंड फादर, अब वो बच्चे हाथ खड़ा करेंगे, ठीक है, जिसके घर पे पापा ग्रैंडफादर या अंकल वो खाना बनाते हैं, वो हाथ रेज करें। संयम सात्विक आपके घर पे आपके पापा बनाते हैं, पुनीत प्लीज अनम्यूट कीजिए। जब मैंने बोला कि आपके मोस्ट ऑफ यू के घर पे मम्मी खाना बनाती है, कितने बच्चों ने हाथ खड़ा किया, और बहुत सारे बच्चों के, मैंने वो जब बोला कि अच्छा आपके घर पे पापा ग्रैंडफादर अंकल कितने लोगों के घर पे खाना बनाते हैं, बहुत कम बच्चों ने क्या है हाथ खड़ा किया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये सोसाइटी में पता है पहले से ही स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है, पहले से ही बता दिया जाता है कि लड़के जो है वो खाना नहीं बनाएंगे, खाली लड़कियां खाना बनाएंगी, ठीक है। So when we fix people into one image, जब हम लोगों को एक, ये मैंने जस्ट एक example दिया है, stereotype और भी तरीके के होते हैं। When we fix people into one image, जब हम लोगों को एक ही इमेज में सोच लेते हैं, क्रिएट कर देते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, stereotype कर रहे हैं, ठीक है, कि लड़के खाना बनाएंगे, सॉरी लड़कियां खाना बनाएंगी, लड़के बाहर का काम करेंगे। सो दिस इज अ stereotype, we are creating a stereotype. When we fix people into one image, we create a stereotype. When people say that those who belong to a particular country, religion, sex, race or economic background are stingy, lazy, criminal or dumb, they are using stereotypes. अब देखिए अलग टाइप के
अब कुछ लोग क्या बोलते हैं कि वो इस कंट्री से, इस रिलीजन से है, उसका सेक्स ये है, उसका रेस ये है, वो काला है, गोरा है, उसके वो ज्यादा वो रिच है, पुअर है, तो वो बोलते हैं ना वो स्टिंगी है, लेजी है, क्रिमिनल है, डम है, हम कुछ ऐसे नेगेटिव वर्ड्स यूज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम स्टीरियोटाइप यूज करते हैं, ठीक है. नॉर्मल नेक्स्ट, देयर आर स्टिंगी एंड जनरस पीपल एवरीवेयर, इन एवरी कंट्री, इन एवरी रिलीजन, इन एवरी ग्रुप, विच वेदर रिच और पुअर, मेल और फीमेल, एंड जस्ट बिकॉज सम पीपल आर लाइक दैट, इट इज नॉट फेयर टू थिंक दैट एवरीवन विल बी द सेम, ठीक है. स्टिंगी मतलब कि ऐसे, मतलब कि बहुत ही बोलते हैं ना कि क्रूएल टाइप्स के, ज्यादा अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, उसको स्टिंगी बोलते हैं. और अच्छे, जेनरस मीन्स अच्छे लोग, बहुत डिसेंट लोग. हर कंट्री में, हर जगह स्टिंगी पर्सन भी होते हैं, जेनरस पर्सन भी होते हैं, ठीक है. हर एक रिलीजन में होते हैं ऐसे लोग, चाहे वो पुअर हो, चाहे रिच हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, हर एक बैकग्राउंड में हर टाइप के लोग होते हैं. तो अगर ये सोचना कि बिकॉज सम पीपल आर लाइक दैट, कुछ लोग वैसे होते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोग ही खराब है. एक एग्जाम्पल दूंगी, इंडिया में हम बहुत मोस्टली लोग क्या सोच लेते हैं पाकिस्तान को लेके, कि पाकिस्तान है तो वहां पे तो क्या होगा कि वहां के हम लोग की तो दुश्मनी है, वहां के सारे लोग हमारे दुश्मन है. तो वहां के कुछ लोग जो है, जो खराब है, उसका मतलब ये नहीं है कि हम भी खराब हैं, उनके वहां के सारे लोग खराब है. नहीं बेटा, हर तरीके के लोग हर जगह होते हैं, ठीक है. हर जगह अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं. हर कम्युनिटी में होते हैं, हर जेंडर में होते हैं, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, हर जगह होते हैं, ठीक है. हर टाइप के लोग होते हैं. तो ऐसा सोचना कि वहां के लोग सारे गंदे हैं, यहाँ के लोग सारे अच्छे हैं, ये गलत बात होती है. Stereotypes stop us from looking at each person as a unique individual with his or her own special qualities. Stereotypes से क्या होते हैं, हम लोगों की individual की unique qualities को पहचान नहीं पाते हैं. They fit large numbers of people into one pattern or type. हम है ना fit कर लेते हैं कि ये यहाँ से belong करता है, ये ऐसा ही काम करेगा, ये boy है ये ऐसा ही काम करेगा, ये इस religion का ये ऐसा ही काम करेगा. Stereotypes affects all of us as they prevent us from doing certain things. हमको बहुत सारी चीजों को करने में क्या है, stereotypes रोकता है. So this is not good to create a stereotype. Okay? So please, everybody, please read the chapter carefully till this topic. And if you have any problem, please ask me. Okay? In our next class, milte hain. Chalo, bye bye. Take care of yourself, everybody.